GTA मतलब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, जहां पर ऑटो का मतलब है ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियां। और नाम से ही पता चल रहा है कि GTA गेम्स का एक बहुत बड़ा पार्ट गाड़ियां हैं। सो बहुत सारे लोग सिर्फ गाड़ियों के लिए ही GTA गेम्स को खेलते हैं। सो आज मैं मेरी कार को GTA 5 की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पार्क करने वाला हूं, जो कि है मेज बैंक टावर। सो मैं कार को डायरेक्टली किसी हेलीकॉप्टर से पिक नहीं कर सकता। सो मैं कोई ऐसा हेलीकॉप्टर ढूंढता हूं जो कि प्लेन हो ऊपर से, जिसके ऊपर मैं अपनी कार पार्क कर सकूं और उसे उड़ा सकूं, और मुझे वो मिल भी जाता है, द एवेंजर। एवेंजर आधा प्लेन है और आधा हेलीकॉप्टर। सो अब मुझे कोई ऐसा स्लोप या फिर जगह ढूंढनी थी जहां से मैं कार को एवेंजर के ऊपर पार्क कर सकूं। सो मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जो कि मेज बैंक टावर के पास भी हो और जहां से एवेंजर के ऊपर कार को लोड भी किया जा सके, और मुझे वो मिल भी जाती है, ये जगह। लेकिन कार को हेलीकॉप्टर के ऊपर पार्क करके ले जाने में एक और दिक्कत थी, जो कि थी GTA 5 के वेट सिस्टम की। आपको क्या लगता है भारी भरकम हेलीकॉप्टर कितना वजन उठा सकता है? सो जब मैं हेलीकॉप्टर के ऊपर कार को पार्क करके इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था तो इसका बैलेंस अपने आप बिगड़ जा रहा था। लेकिन अगर इस एवेंजर को बहुत ज्यादा स्लोली फ्लाई किया जाए तो ये अब भी मेज बैंक टावर के टॉप तक कार के साथ पहुंच सकता है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था। सो मुझे कुछ नया आइडिया चाहिए कार को मेज बैंक टावर के टॉप तक पहुंचाने के लिए। मैं थोड़ी देर सोचता हूं और मुझे एक कार की याद आती है, स्क्रैमजेट, यानी कि एक ऐसी गाड़ी जिसके पीछे दो रॉकेट्स लगे हों, जो कि किसी और व्हीकल से मदद लिए बिना टावर के टॉप तक खुद ब खुद पहुंच सकती है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए और मैं इसके लिए काफी सारे अटेम्प्ट्स करता हूं। सो ये है द फाइनल एंड आखिरी अटेम्प्ट। एक और बार मैं खड़ा हूं स्क्रैमजेट के साथ, एक और ट्राई करने के लिए मेज बैंक टावर के टॉप तक पहुंचने के लिए। सो कार आगे बढ़ती है, मैं ई दबाता हूं जिससे कि कार हवा में उछलती है, और फिर मैं एक्स दबाता हूं जिससे कि कार के बूस्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कार हवा में है और मेज बैंक टावर के टॉप तक बढ़ रही है, और कार नीचे गिरने वाली ही होती है तभी कुछ ऐसा होता है। सो टेक्निकली ये कार मेज बैंक टावर के टॉप पर पार्क हो चुकी है, और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है।